आज 7 नवंबर 2017 है। मैं यहाँ बंदरों के बीच में आया हूँ। बिल्कुल शाम का समय, सूर्यास्त हो चुका है और यहाँ पर अभी अचानक थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले हैदराबाद से कोई रुद्र बालक है, छोटा सा 10 महीने का, उसकी हालत बड़ी गंभीर बताई। तो हमने कहा आप चिंता न करें, हम उपाय करते हैं। ये सबसे आखिरी और सबसे बड़ा उपाय है। यानी कई कोई बीमारी हो, जारी हो, संकट हो, कोई भी, तो आप बंदर भोज करें, उसको आपके उससे काफ़ी लाभ होने के चांस होते हैं। बहुत से लोगों को लाभ होता है। और बाकी मैंने जैसे सुना, देखिए अब सब बंदर चले आ रहे हैं संध्या बेला में। अब चूँकि यहाँ मिट्टी धूल बहुत है, तो मैं इसको, रुक जाओ भैया अभी थोड़ी सी, चलो वहाँ आ जाओ, घास में आ जाओ। अच्छा, ये अच्छी जगह पर आओ, घास में आ जाओ, जो जो गिरे तो वो ख़राब ना होने पावे, है ना। ए यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ आके खा लो भाई, आओ आ जाओ। चलो निकालो, डरो मत, तुम तो जानते हो हमको सब। हाँ निकालो, खाओ, डरो मत, खाओ। देख रहे हैं, ये देख, अपना हिस्सा लिया, निकल गए, ये आ गए, ये लिया। हाँ भाई आओ, जल्दी आओ, सबको, सब दूर, आज मंगल है ना, सबका पेट भरा हुआ है, तो इसलिए निकाल के हम थोड़ी आस्तीन की बाहों को अपने से मोड़ लें जरा सा, ताकि हम इससे निकालेंगे। वो देखिए कैसा सर्कस कर रहा है, क्या तार के जरिए दूसरी मंजिल में पहुंच गया वो। आज मंगलवार है, इनका पेट भरा हुआ है और नहीं सब आ जाते, अब वहाँ लेके रखेंगे, धूल गर्दे में सब गिरा देंगे। तो यही है, तो आप लोग हमको जब भी फ़ोन करें, अभी गौरव जी का कानपुर से फ़ोन आया, तो इसी तरह दिन भर लोग फ़ोन करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया आए थे, रुक जाओ, आ गया। उसको दौड़ा रहा है बंदरिया है बेचारी, अब वो कहाँ गए भाग के, वो देखेंगे, पता नहीं लोगों में क्या क्या होता है। चलो भैया खा ले, सब आ गए, देखिए वहाँ से हट गए सब झोले से। तो आज का भोज जो है, हमने केले ले लिए हैं, रोटियां हैं। आज का भोज जो है, वो 10 महीने का बालक है, रुद्र, हैदराबाद का, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत गंभीर है। तो हमने कहा देखिए उपाय करना चाहिए, और कहें बाबा जी कैसे क्या करना होगा, हमका कोई चिंता मत करो, आप तुरंत इसी समय कुत्तों को रोटियां, नहीं घर में रोटी हो आप डबल रोटी मंगा लो, वो कुत्तों को खिलाना शुरू करो। तो अब सब धीरे धीरे आ रहे हैं, देखिए सब धीरे धीरे आ रहे हैं, यहाँ भोज शुरू हो गया है। तो कुत्तों को रोटी जो है वो खिलाना, कुत्तों को, बंदरों को, कैसा भी संकट हो, आपको राहत पाने के लिए ये आखिरी उपाय है, ये समझ लीजिए, आखिरी उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। लेकिन वो मंदिर पूजा मंत्र, अरे बाबा उस मंदिर पूजा पाठ हवन उस ज़माने में काम करता था जब गौ माता की पूजा होती थी। आज पूरे भारत में गाय कट रही है और सब हिंदू खामोश होकर तमाशा देखता है, थोड़े से लोग बोलने वाले हैं, ये RSS और BJP वाले, अगर ये न होते ना तो गौ माता का, तो हिंदुस्तान का तो कबाड़ा ढीला हो गया था। जिस देश में गाय कटे वहाँ तंत्र मंत्र माला अंगूठी आपकी भूल है, कुछ नहीं आपका काम बनेगा, सुई के नोक बराबर आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए आप तत्काल सेवा करें। हालत बच्चे की ख़राब है, इस वीडियो को देखने के बाद आप हॉस्पिटल चले जाइए, गरीब बच्चों, जो गरीब बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हों। देखो केला भी ले लिया, रोटी भी ले लिया, अब यानी हमला हो गया, हम आ रहे हैं। देखो हमको, देखिए भगी अपने बच्चे को ले, एक अपने बच्चों को हमको दे दो भाई, बहुत से लोग मांग रहे हैं भाई अपने बच्चों को हम, अरे भैया छोटे से तुम ही आ जाओ हमारे पास, हैं वो बाबा एक बंदर का बच्चा चाहिए, इसको मैं छू नहीं सकता हूँ, इसको अगर मैं इसे पकड़ लूँ सारे बंदर हमको खा जाएंगे। रुक जाओ बूढ़ा, तुम बड़ी दोस्त हो, अच्छा निकालो, चलो निकालो, संकोच ना करो, हाँ निकालो। ये देखो बाकायदे ढूंढ के बुढ़िया निकाल रही है, मुंह में भी दाबा, हाथ में लिया, इसके वजह से बच्चे नहीं आ रहे। चलो बूढ़ा हट गया, तुम्हारा काम हो गया, हट जाओ, हाँ लो तुम ले लो भैया, ले भैया तुम भी ले लो, अरे भाई तुम लोग छोटे से हो, रुक जाओ हम रोटी निकाल के इसको देंगे। देखो ये बेचारा छिलका ले रहा है, ले उठा लो रोटी भाई, देखो कितना छोटा सा है, कितना नन्हा सा है, ले खाओ
ये ईंटा ढेला यहाँ भरा पड़ा है। अच्छा हम दिया एक ईंटा करते हैं। हाँ ले लो ले लो भैया, वो सबसे छोटे वाले कहाँ चले गए। ले ले लो यहाँ मिट्टी बहुत है भाई, ले उठाओ ये उठा, ए यहाँ मिट्टी बहुत है उठा ले। ये देखिए खा रहे हैं सब। देखिए हैदराबाद वाले साहब किस तरह आपने फ़ोन किया और एक घंटे के अंदर मैं इनके बीच में आ गया। कितने छोटे से ये हनुमान जी खा रहे हैं, पत्थर के हनुमान का लड्डू खिलाते हो। अच्छा मिले आज तक हनुमान जी। अरे पहले इनकी सेवा करो फिर हनुमान जी में लड्डू चढ़ाओ, चाहे तुम अपने आप को चढ़ाओ, पहले इनकी सेवा करो। जो सजीव हैं हैं, जो माता पिता तुम्हारी जिंदा हैं उनकी तुम उनकी सेवा करो। ये ले लो भैया, ले 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 ले, तुम भाई भले छे हो भैया, तुम भी ले लो भाई। कितने छोटे से हनुमान जी देखिए आप, इनको भैया लूटी भी हम दे दें भाई। ए ये ले लो भैया खाओ। हाँ ये देखिए उसमें ढूंढ रहे हैं, खा लो कितने नन्हे से हैं भैया। इनको भैया आशीर्वाद दो, रुद्र को जो है वो सकुशल घर आज वापस आवे। और फिर हमने कह दिया, हमने कहा देखिए श्रीमान जी महीने में आप संकल्प ले लीजिए, अभी हनुमान जी के फोटो टंगा हो मंदिर हो, संकल्प ले लीजिए। ले भैया ले भैया, मम्मी के साथ तुम भी आ गए खा रहे हो, ये ले लो भैया तुम भी ले लो। लो भाई लो संकल्प, संकल्प में बड़ी शक्ति है, तुरंत संकल्प ले लीजिए। अब उसको सौदेबाजी मानिए या कुछ मानिए कि हनुमान जी हमें संकट से उबारें और हमारे कोई अपराध हुआ हो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन इसका हम इसकी सेवा करेंगे बंदरों की। महीने में आप 5 रुपया, 500, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ दान करने की कोई सीमा नहीं होती है। दान करने की, ले भैया ले, दान करने की कोई सीमा नहीं। आप 5 रुपये महीने में निकालो, एक भीख मांगने वाला भी 5 रुपया महीना निकाल सकता है। ले 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 ले, कितने छोटे से ये तवड़ा केला इनको मिल गया। महीने में 5 रुपये तो आप निकाल सकते हैं, तो महीने में 5 रुपये इकट्ठा करते रहिए, जब साल हो जाए तो उसी से कुत्तों को बंदरों को खिलाइए। जब आपको बंदर कहीं ना मिले तो फिर आप हमको हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे क्यों डाल दीजिए। आप यूको बैंक का हमने एक अकाउंट खोल दिया है नया, उसी में आप लोग डालिए। उसका नंबर आपको हमारे क्या बोलते हैं, हैं बदमाशी नहीं, ले ले लो।